सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मैनपुरी से इस समय की बड़ी खबर, जी हां, आपके जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल की। राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विजय कुमार उर्फ बबलू नेताजी की शिकायत पर जांच करने पहुंचे एक सैन ओम प्रकाश। विद्युत विभाग के अवर अभियंता पंकज कनौजिया पर लगे कई गंभीर आरोप। आपको बताते चले, मैनपुरी जनपद के कस्बा करहल के मोहल्ला जाटवान में विद्युत विभाग की टीम के साथ अवर अभियंता पंकज कनौजिया पहुंचे, जहां उन्होंने मोहल्ला के प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विजय कुमार उर्फ बबलू के घर बिना परमिशन के अंदर घुस छत पर चेकिंग करने पहुंचे। क्या कहना है बबलू नेताजी का, हम आपको सुनवाते हैं। और हमारा नाम तुलसी है। अच्छा, जो आज शिकायत हुई है, ये जांच करता आए थे, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने तो उनसे कहा था, तो देखिए साहब कि जिसके बिल जमा हैं तो उनकी वो काटिए, और जिनके बिल जमा हैं उन्हों की काट दें, जिनके नहीं जमा हैं थोड़े पैसे रह गए बिनों की सब काट के डाली गई। जब ज़्यादा कही तो हमसे कहने लगे बकबक मत करो कनौजिया साहब। तो मैं इन अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि साहब इनका यहाँ से फेरबदल कर दिया जाए, काहे से इनकी बहुत शिकायत है, घर में घुस जाते, जैसे 82-83 खुड़की नहीं ले लेते ऐसे तो घर में घुस जाते, 6-7 बजे घुस जाते। अब हम कहाँ जाना, विजिलेंस वाले हैं हम तो, यही जानते कि यही बिजली वाले कनौजिया था। आज आपके यहाँ जो विद्युत विभाग के अधिकारी आए थे, किस संबंध में आए थे? 5/2/2021 को सुबह 7 बजे बिजली विभाग की टीम इस मोहल्ले में जांच करने के लिए आई थी, तो सभी लोगों के किवाड़ बंद थे सुबह सुबह, हमारे भी किवाड़ खटखटाए, मेरी पत्नी ने किवाड़ खोले, तो किवाड़ खोलते ही दिए ही पंकज कनौजिया और विजिलेंस का दरोगा लाल सिंह अन्य कर्मचारी एकदम मेरे घर में घुसने लगे। जब मेरी पत्नी ने रोका तो उसको धक्का मार के एकदम सब छत पर चढ़ गए। तब मेरी पत्नी मुझे जगाया, मैं आग निकल के आया, बाकी लोग मेरे घर के अंदर थे। तो उस समय आप सो रहे थे क्या? सो रहे थे। क्या बजे का बात है? सुबह की बात है, 6-7 बजे की। अच्छा, 6-7 बजे फिर 7 बजे की नहीं। उसके बाद मैं आया, बाहर निकल के मैंने पूछा भाई ये क्या है कि बिजली चेकिंग घुसल रही है, कि भाई हमने की घर में घुसने घुसल निकल, आपके पास कुछ सर्च वारंट है घर में घुसने का? उस पर वो लोग आग मामला हो गए और कहने लगे इसी तरह चेकिंग होती है। और काफ़ी लोग गए आसपास के लोग सब आ गए। तो आपने कहाँ शिकायत करी थी? उसकी शिकायत मैंने प्रधानमंत्री, चीफ सेक्रेटरी लखनऊ, MD लखनऊ, मानवाधिकार आयोग लखनऊ, क्योंकि मैं मानवाधिकार सर्वेक्षण का संघ राष्ट्रीय सर्वेक्षण हूँ, तो इन जगह मैंने शिकायत भेजी है। उसकी कार्रवाई जाँच करने के लिए एक्सीएन मैनपुरी श्री ओम प्रकाश जी आए थे, जिनको मैंने अपनी पूरी घटना के बारे में बताया, बयान लिखकर ले गए हैं। तो कुछ आश्वासन दिया? अब मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ के DI को और SDO को हटा दिया जाएगा, ये आश्वासन दे रहे हैं। पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं वर्तमान में अधिशासी उनका परीक्षण के रूप में यहाँ मैनपुर में कार्यरत हूँ जी। और श्री विजय कुमार जी जो राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के जो यहाँ पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कि मेरे मोहल्ले में 5 फरवरी को यहाँ चेकिंग हुई, तो उसमें विभाग के लोगों ने जबरदस्ती करके गांव में एंट्री करी और जिन लोगों के बिल जमा थे उनके भी कनेक्शन काटे गए और जिनके नहीं थे वो भी काट के छोड़ के चले गए। उसकी शिकायत की जांच के संबंध में मुझे यहाँ उच्च अधिकारियों द्वारा भेजा गया है। अच्छा सर, जो शिकायत करी गई किसकी शिकायत करी गई है? ये उसमें शिकायत में पंकज कनौजिया जी है उनकी, और जो यहाँ का उपखंड अधिकारी है उनकी जी, और जो उनके साथ में थे उनकी जांच की गई, विजिलेंस तीन लोग भी थे साथ में उनकी जांच की गई कि जबरदस्ती उन्होंने घरों में एंट्री करी है बिना बताए, जबकि इनको घरों से जांच करने से पहले इनको लॉक करना चाहिए, बताना चाहिए।
सर जानकारी चाहिए, ये जो 11,000 की लाइन है इसके नीचे जो बैरिकेडिंग है वो बहुत जगह नहीं है, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, क्या व्यवस्था है प्रशासन की? भी लाइन जहाँ पे नीचे बस्ती है जी उसमें गार्डिंग वायर की व्यवस्था है जी विभाग में जी, अगर जहाँ पे कहीं डैमेज हो गई है तो उसके लिए आप एक प्राप्त पत्र बनाइए, संबंधित अधिशासी वैधता प्रति को दीजिए, तो उसके बाद में उसका एस्टीमेट बन के और उसका जो बैरिकेड हो जाए। वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ सार्वजनिक जगह है जैसे मानिकपुर जाएंगे आप तो चौराहे पे है जो रास्ता 11,000 की लाइन निकल रही है उस पर कई दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन आज तक आपके विभाग ने वहाँ सुनवाई नहीं की। नहीं तो आप दोबारा एप्लीकेशन दीजिए अधिशासी वैधता विद्युत वितरण खंड प्रति के नाम में, उन्हीं का क्षेत्र है ना जी जी, हाँ तो उनको आप एप्लीकेशन दीजिए और उस पर जो कार्रवाई होगी वो पूरी कार्रवाई कर पाएंगे। जी साहब, जो प्रकरण आया है मोहल्ला जाटवान का जिसमें विजय कुमार बबलू जाटव हैं मानवाधिकार के, उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दी थी जिसकी जांच आई थी, क्या पूरा मामला है? मामला ये है दिनांक 5/2/2021 को विद्युत विभाग एवं विजिलेंस टीम जो है कम्बाइंड जो है रेडी किया गया, इनमें चोरी वाले इलाकों में सघन चेकिंग किया गया, इस दौरान शिकायतकर्ता के परिसर पर भी संदेह होने की स्थिति में जांच के लिए उपभोक्ता के गेट को नॉक किया गया, उपभोक्ता को बुलाया गया, उपभोक्ता के सहमति मिलने के बाद मेरे एवं विजिलेंस टीम के आरक्षी श्री सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा परिसर के छत पर चेक किया गया, कोई अनियमितता नहीं पाई गई, इस दौरान बताया गया कि कोई भी अनियमितता नहीं है, सही है आपका, और इस दौरान ना ही जो उपभोक्ता द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पत्नी के साथ धक्का मुक्की किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल निराधार है और ये झूठा है। अच्छा, तो इसमें जांचकर्ता आए थे मैनपुरी से, उन्होंने भी अभी लिखित ले गए उनसे भी, जिस प्रकार आपसे भी ले गए होंगे, तो क्या कुछ कह के गए? नहीं, वो अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी आख्या बनाएंगे और जैसा होगा वो अपने अपने आधार पर अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे।